Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. How are you all? I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Children, this is our EVS class and we are doing the lesson Good Manners. Before this lesson, we did healthy habits. इसके पहले वाला जो चैप्टर था that was healthy habits. And before that, the chapter was good food. Okay? उसके पहले का चैप्टर क्या था? The chapter was good food. So, for the past few classes, पिछले कुछ क्लासेस से we are talking about good food, healthy food, healthy habits, good eating habits, good manners. So we are talking about different ways to keep ourselves fit and healthy. हम पिछले कुछ क्लासेस से अपनी हेल्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं. That is how to take care of our health, how to take care of ourselves. अपना ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह का फूड खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए एंड व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स, व्हाट आर द गुड ईटिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट्स के अलावा और क्या क्या हेल्दी हैबिट्स हैं विच वी मस्ट फॉलो टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. ओके, फूड हैबिट्स और हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी फूड के अलावा हमने और भी हैबिट्स के बारे में बात किया जो कि हमें फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्पफुल है, जैसे अपने पर्सनल हाइजीन. ठीक है, इसके पहले जो हमने अभी चैप्टर किया हेल्दी हैबिट्स, दैट वॉज मेनली रिलेटेड टू कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन. ठीक है, हम अपने आप को क्लीन कैसे रख सकते हैं, हमें अपने आप को क्लीन क्यों रखना चाहिए, क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्हाट ऑल स्टेप्स शुड बी फॉलो, व्हाट ऑल मैनर्स शुड बी फॉलो टू कीप आवरसेल्फ्स क्लीन. अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम नीट एंड क्लीन रहे एंड वी विल रिमेन फिट एंड हेल्दी व्हेन आवर फूड हैबिट्स आर गुड, when we eat healthy food and at the same time we are neat and clean. हम अपने आप को भी neat and clean हमें रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इसके पहले वाले chapters में हमने ये सारी चीजें पढ़ी. Now in this chapter that is good manners, we are talking about good manners. Good manners क्या क्या होते हैं, good manners में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, हाउ शुड वी बिहेव, हाउ शुड वी टॉक टू अदर्स. ठीक है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जितनी इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा बिहेवियर भी है. द वे वी बिहेव विथ अदर पीपल, द वे वी कंडक्ट आवर सेल्फ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे हम उनके साथ बातचीत करते हैं, वेदर दे आर एल्डर टू अस और दे आर यंगर टू अस, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. फिजिकली वी आर वेरी फिट, बहुत अच्छा, हम बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं. एवरी डे वी एक्सरसाइज, मॉर्निंग में गए, मॉर्निंग वॉक किया, जॉगिंग किया, शाम को एक्सरसाइज किया, बहुत हेल्दी खाना खाया. वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, अपनी पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं. बट इफ द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन इज नॉट गुड, इफ द नेचर ऑफ दैट पर्सन इज नॉट गुड, इफ द पर्सन डज नॉट स्पीक पोलाइटली विथ अदर्स, ठीक है, हर बात पे गुस्सा कर जाना, सबको डांट देना, अगर उसका बिहेवियर सबके साथ अच्छा नहीं है तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नॉट लाइक बाय अदर्स. ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते.
बिकॉज देन पीपल से अरे कौन जाएगा उसके पास बात करने, वो तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है. सो अपार्ट फ्रॉम अलोंग विथ आवर हेल्थ एंड हाइजीन, आवर बिहेवियर, आवर कंडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हमारे मैनर्स कैसे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट सम गुड मैनर्स. वी स्टार्टेड द लेसन विथ अ स्टोरी एंड द स्टोरी इंक्लूडेड फ्यू मैजिक वर्ड्स. दैट मीन्स वो मैजिक वर्ड से कैसे पूरे उसका मतलब हाउ डिड द मैजिक वर्ड हेल्प द चाइल्ड, उसको कैसे उस बॉय की हेल्प हुई उन मैजिक वर्ड्स के थ्रू. सो मैजिक वर्ड्स एज आई हैव टोल्ड यू, इसके पहले भी क्लासेस मैंने बताया कि मैजिक वर्ड से कुछ मैजिक नहीं क्रिएट होता है कि वो सडनली एक स्काई में बर्ड्स उड़ने लग गए या वो एक हैंकी आ गया या हैंकी में से रैबिट निकल गया जो नॉर्मली मैजिशियंस करते हैं. मैजिक वर्ड्स मीन्स दे क्रिएट अ मैजिक थ्रू वर्ड्स. वर्ड्स के थ्रू वो एक मैजिक क्रिएट करते हैं इन द सेंस कि फॉर कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है, एवरीबॉडी इज वेरी एंग्री, बट हम बहुत पोलाइटली हमने बात किया, हमने अपनी गलती मैंने हमसे कोई गलती हो गई, हमने भी आई एक्सेप्टेड माय मिस्टेक, हमने सॉरी बोल दिया, तो सिचुएशन ठीक हो जाती है. तो जो वर्ड्स होते हैं दे मैं कैसे बताऊं, वर्ड्स कई बार दे डेफिनेटली क्रिएट मैजिक इन द सेंस कि कई बार बहुत खराब सिचुएशन होती है उसको भी बहुत अच्छा कर देते हैं. और एट द सेम टाइम अगर हमने करेक्ट वर्ड नहीं बोले, किसी को हमने कुछ बोल दिया, तो कई बार प्रॉपर सिचुएशन भी बहुत बिगड़ जाती है. ठीक है, तो वर्ड्स डेफिनेटली क्रिएट अ मैजिक. वर्ड से भी एक मैजिक जरूर क्रिएट होता है इन द सेंस कि कई बार वर्ड्स के थ्रू हम बिगड़ी हुई बात को भी मना लेते हैं, ठीक कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ दैट इज वाई सम वर्ड्स आर नोन एज मैजिक वर्ड्स. ओके, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सम गुड मैनर्स लाइक कीप स्माइलिंग. व्हेन समवन सेज थैंक यू, यू से यू मस्ट से यू आर वेलकम. व्हेन समवन सेज आई एम सॉरी, यू शुड से इट्स ओके. देन greet others with a smile on your face. Then always speak softly and politely. Use words like excuse me, please, thank you. Okay, wherever it is they are required. Aisa nahi ki har jagah aap bolo, jahan pe bhi bolne ki zarurat hai. Then be obedient to your parents and children, teachers. Be punctual to the school. Do your work on time. Then always walk in a line inside the school. Then wait for your turn to speak. जहां बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो आप अपनी टर्न का वेट करो. डोंट स्टार्ट शाउटिंग इन बिटवीन, वेट फॉर योर टर्न. और अगर आप देखते हो कि आपकी टर्न नहीं आ रही है, अदर्स आर गोइंग ऑन एंड ऑन, बाकी लोग बोलते ही जा रहे हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, द टीचर विल सी यू. तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने हाथ उठाया है, that means you wish to say something. Okay, जैसे अभी online class में भी that raise your hand, hand raise वाला option है, is there, है ना? Online class में भी जो करते हो तो उसमें भी hand raise वाला option है. मैं सबको mute करने को बोलती हूँ, because वही बात है ना कि अगर सारे बच्चे एक साथ बोलोगे तो बहुत शोर होता है, जब class में होते हो तो बहुत शोर होता है, और अभी भी जब सारे बच्चे एक साथ अपने आप को unmute कर लेते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने लग जाती है. ना आपको मेरी आवाज आती है, ना मुझे आपकी आवाज आती है. सो आई कीप टेलिंग यू ना चिल्ड्रन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. म्यूट योर सेल्फ मतलब वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, लेट मी स्पीक फर्स्ट, एंड इन बिटवीन इफ यू विश टू आस्क समथिंग, दैट हैंड रेज वाला ऐसा वाला ऑप्शन इज ऑलवेज देयर. यू कैन टेक दैट ऑप्शन, उस ऑप्शन को आप दिखा सकते हो, उस आइकन को आप मुझे दिखा सकती हो, तो आई नो दैट यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग और यू विश टू से समथिंग. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट दीस मैनर्स, इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर गुड मैनर्स. हम कुछ और गुड मैनर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है,
So what are those good manners? Do not shout in the class. Do not shout in the class. Class में शोर मत करो, class में चिल्लाओ मत, ठीक है? जैसे class में तो आप शोर करते हो, चिल्लाते हो, अभी ऑनलाइन क्लास में कैसे शोर होता है? When all the children unmute themselves. अभी ऑनलाइन क्लास में कैसे शोर होता है? जब आप सारे बच्चे अगर एक साथ अनम्यूट हो जाते हो तो बहुत शोर होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, आपको मेरी आवाज नहीं आती है, मुझे आपकी आवाज नहीं आती है. तो इसीलिए कीप योर सेल्फ म्यूटेड. मैं अगर आप किसी को म्यूट करती हूँ तो म्यूट रहो, और अदरवाइज ऑन योर ओन ऑल्सो कीप योर सेल्फ म्यूटेड. If you wish to ask anything in between, कुछ आपको पूछना है, कुछ कहना है, तो you can always choose that option, hand raise वाला जो option होता है. I will understand, मैं आपसे तुरंत पूछ लूंगी, okay? Then, do not waste paper. पेपर मत वेस्ट करो. वी ऑल नो दैट पेपर इज एक्सट्रीमली प्रेशियस. पेपर कैसे बनता है? पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज को कट करके ही पेपर बनता है. अब द होल प्रोसेस इज देयर. डायरेक्टली तो ट्रीज से पेपर नहीं बन जाता है, पूरा प्रोसेस होता है, बट द मेन सोर्स ऑफ पेपर इज ट्रीज. ठीक है, ट्रीज से बनते हैं. तो आप सोचो कि एक पेपर बनाने के लिए पता नहीं कितने ट्रीज कट करने पड़ते होंगे. सो इफ यू आर टेयरिंग पेपर फ्रॉम योर नोटबुक, यू आर थ्रोइंग देम हियर एंड देयर, अल्टीमेटली वो कहाँ गया? डस्टबिन में जाता है, वेस्ट में जाता है, इट ऑल इज वेस्टेड. उसका कोई यूज नहीं हुआ. तो कितने सारे ट्रीज भी वेस्ट हो गए साथ में. एक पेपर वेस्ट हुआ तो पेपर के साथ साथ कितने ट्रीज भी वेस्ट हुए, इजंट इट? पेपर के साथ बहुत सारे ट्रीज भी वेस्ट हुए, क्योंकि पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज ओनली. आजकल इसीलिए ज्यादातर काम, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन थ्रू कंप्यूटर पे, मेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, कि लेटर की पेपर ना यूज हो. बहुत जगह ऑफिस में आजकल, जैसे आजकल अर्लियर वी यूज टू ट्रेवल वो टिकट लेके करते थे, नाउअडेज दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. रास्ते में जो टिकट चेक करते हैं, दे चेक द टिकट ऑन फोन ओनली, सो दैट पेपर इज सेव्ड. बहुत जगह सारा काम ऑफिस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेटर लिखना है, कुछ भी है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मेल के थ्रू कंप्यूटर से हो जाता है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है. तो यू शुड नॉट वेस्ट पेपर, ट्राई टू सेव पेपर, बिकॉज पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. जितना ज्यादा पेपर हम, जितने ज्यादा ट्रीज कट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म होगा. सो मेन पॉइंट इज डू नॉट वेस्ट पेपर. ठीक है, देन शेयर थिंग्स विथ अदर्स. मतलब दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर करना चाहिए. इन इंग्लिश वी डिड दैट पोएम, अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. वो पोएम में हमने क्या पढ़ा था? देयर वॉज अ गर्ल हु लेंट हर क्रेयॉन टू वन ऑफ अ फ्रेंड, एंड उससे बाय मिस्टेक द क्रेयॉन ब्रोक, बट देन शी वॉज नॉट एंग्री, हर फ्रेंड वॉज वेरी अपसेट, हर फ्रेंड सेड सॉरी, बट शी सेड इट इज ओके, वी बोथ कैन शेयर द क्रेयॉन्स नाउ. ठीक है, तो शी वॉज सो नाइस, टूट भी गया, स्टिल शी वॉज नॉट अपसेट. उसने कहा कोई बात नहीं, अब हम लोग इस क्रेयॉन को शेयर कर लेंगे. सो यू शुड शेयर थिंग्स विद अदर्स. ओके, कभी स्कूल में अगर क्लास में आपके फ्रेंड के पास, इफ द फ्रेंड डज नॉट हैव कलर्स, आर्ट की क्लास है, तो यू कैन शेयर योर कलर्स विथ योर फ्रेंड. इट हैपेंस क्वाइट ऑफन दैट योर फ्रेंड फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज और हर पेंसिल, पेंसिल बॉक्स लाना भूल गए, या लेकर आए थे पेंसिल गुम हो गई. तो यू कैन शेयर योर स्टेशनरी आइटम विथ योर फ्रेंड्स. अगर बुक नहीं है तो आप बुक शेयर कर सकते हो. ठीक है, सो यू शुड शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स. हेल्प योर फ्रेंड्स, शेयर थिंग्स विथ अदर्स, देन हेल्प योर
फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो। तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प कैसे कर सकते हो? किसी दिन अगर फ्रेंड नहीं आया, फॉर सम रीजन योर फ्रेंड वॉज एब्सेंट टू द स्कूल, सो यू कैन हेल्प योर फ्रेंड बाई मेकिंग हिम और हर कम्प्लीट, उनका वर्क कम्प्लीट आप करा सकते हो अपनी नोटबुक दे करके, क्या कल मैम ने ये वर्क कराया था, डू इट, इसको कम्प्लीट कर लो। और कभी फ्रेंड कुछ चीज लाना भूल गया तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टिफिन लाना भूल गए, मम्मी ने टिफिन बना के रखा था बैग में रखना भूल गए, या मम्मी देर से उठी, मम्मी टिफिन नहीं बना पाई टाइम पे तो आप टिफिन लाना भूल गए, तो यू कैन टिफिन शेयर योर लंच बॉक्स विथ योर फ्रेंड्स। आप अपना लंच बॉक्स, अब बच्चे सारे मिल करके अपना लंच अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जिसके पास लंच बॉक्स नहीं है, ठीक है। सो इन दिस मैनर यू कैन शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स। देन थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, THROW, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, ओके, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, तो जो भी कूड़ा है उसे आप कहाँ फेंको, उसे आप डस्टबिन में फेंको। जैसे क्लास में भी पेंसिल छीलते हो तो पेंसिल की जो शेविंग्स निकलती है, थ्रो देम इन द डस्टबिन। कुछ टिफिन खाया, टिफिन से कुछ गिरा, उसको डस्टबिन में फेंको। बिस्किट खाया, बिस्किट का रैपर है, टॉफी का रैपर है, चॉकलेट रैपर, या कभी चिप्स खाया उसका रैपर, थ्रो इट इन द डस्टबिन, डू नॉट थ्रो इट हियर एंड देयर। अपनी क्लास को नीट एंड क्लीन रखो, कीप द एरिया नियर यू, जितना आपके क्लास के आसपास का आपके स्कूल का जो एरिया है, कीप इट नीट एंड क्लीन। सो थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, यू ऑल्सो डू इट एंड टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर कोई, अगर किसी को देखो आप कि कोई इधर उधर कूड़ा फेंक रहा है, गार्बेज की प्रॉपर प्लेस पे गार्बेज नहीं फेंक रहा है, तो टेल देम कि दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस, थ्रो इट इन द डस्टबिन, जहां पे इसको फेंकना है। देन एट होम अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग, शूज, बॉटल एक्सेट्रा इन देयर प्रॉपर प्लेस। घर पे भी आपकी जो भी चीजें हैं, जैसे आपका स्कूल बैग है, बुक्स है, शूज है, वाटर बॉटल है, उसकी प्रॉपर प्लेस पे जाकर के रखो। लाइक व्हेन यू गो बैक होम, व्हेन यू रीच होम इन द आफ्टरनून, स्कूल के बाद घर पहुंचते हो, यू चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म, तो शूज निकाला, कीप द शू एट द प्रॉपर प्लेस, कीप योर बैग एट द प्रॉपर प्लेस, कीप योर टिफिन इन द किचन, वाटर बॉटल इन द किचन, जहां पर उनकी जगह है, ठीक है। यूनिफॉर्म डर्टी है, पुट इट इन द बाथरूम में, वॉशरूम में, जहां भी आप गंदे कपड़े मम्मी रखती है वहां जाके रखो। दैट मींस कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। टॉयज से खेलते हो, आफ्टर प्लेइंग कीप देम एट देयर प्रॉपर प्लेस, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग। इफ यू कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, दे विल नॉट गेट मिसप्लेस्ड ऑल्सो। कभी चीजें आपकी गुम भी नहीं होंगी, अगर आप अपनी चीजों को जगह पे रखोगे तो आपकी चीजें कभी गुम भी नहीं होंगी, एंड योर रूम, योर हाउस विल ऑल्सो रिमेन नीट एंड क्लीन। सो ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, कुछ भी हो, वेदर इट इज योर स्कूल यूनिफॉर्म, घर के कोई और कपड़े हो, योर बुक्स, बॉटल, स्कूल बैग, शूज, एनीथिंग, योर टॉयज, जो कुछ भी सामान है, कीप एवरीथिंग एट द प्रॉपर प्लेस। एट होम कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, अपनी चीजों को घर पर भी जगह पे रखो। डू नॉट स्कैटर देम, ऐसे फैला के नहीं रखो कि कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ वहां पड़ा हुआ है, ऐसी क्या होता है, द थिंग्स गेट लॉस्ट, ऐसी चीजें गुम हो जाती हैं। अब बोलते हैं ना, मैम कॉपी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ चली गई, सो दैट मीन्स यू डिड नॉट कीप इट एट द प्रॉपर प्लेस। अब किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखोगे तो वो कभी नहीं गुमोगी, बिकॉज यू नो कि ये तो इसकी जगह, इस अलमारी में यहाँ पर है इसकी जगह, तो ये मैंने यहीं पे रखा था, इसीलिए इजीली मिल जाएगी। बट अगर आप
उसको अपनी जगह पे नहीं रख के कहीं और रखोगे तो फिर पता चला कभी चाहिए तो देन यू आर रिमेम्बरिंग कि कहाँ रखा था कहाँ रखा था कहाँ रखा था, याद ही नहीं आ रहा है तो फिर नहीं मिलती ये चीज। देन हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, मम्मी को घर पे किचन में और दूसरे काम करने में मम्मी की हेल्प करो। अभी आप मम्मी की हेल्प कैसे कर सकते हो, मम्मी योर मदर विल नॉट आस्क यू टू कुक फूड, आप अभी बहुत छोटे हो, योर मदर विल नॉट आस्क यू टू कट द वेजिटेबल्स, छुरी नहीं यूज करने देंगी, बट हाउ कैन यू हेल्प योर पेर मदर, आप मम्मी को किचन में कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जैसे खाना बन गया, टेबल लगाना है, टेबल पे ले जाकर के प्लेट्स वगैरह रखनी है, यू कैन डू इट। अब खाना खाने के बाद प्लेट्स को वापस ला करके जगह पे रख सकते, वापस ला करके जहां भी रखना है उसको वहां पे ला के रखो। किचन में जो भी यूटेंसिल्स है सबको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखो। कुछ मम्मी को सब्जी बनाने से पहले कुछ वेजिटेबल वॉश करनी है तो यू कैन वॉश इट। सो इन दिस मैनर यू कैन हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। और जैसे दूसरे भी घर के जो भी काम मम्मी करती है आप उसमें मम्मी की हेल्प कर सकते हो, इफ यू कीप थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। मम्मी अभी आपसे और तो कुछ नहीं बोलेंगी, ये तो नहीं मम्मी बोलती होंगी कि घर में खाना बना दो या झाड़ू पोछा कर दो या बर्तन साफ कर दो, ये सारे काम तो मम्मी नहीं बोलती होंगी। बट इफ यू कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस एटलीस्ट मम्मी का इतना काम कम हो जाएगा ना कि सब चीजें अगर आप जगह पे रख दोगे, टीवी देखा, टीवी देखने के बाद टीवी को उसको स्विच ऑफ कर दो। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीवी देख के चले गए, टीवी ऑन है, फिर मम्मी को बाद में आके ऑफ करना पड़ा, तो आफ्टर वॉचिंग टीवी स्विच इट ऑफ। इफ यू कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, आप चीजों को जगह पे रखोगे तो मम्मी का उतना काम कम हो जाएगा ना, मम्मी को नहीं रखना पड़ेगा। अब आप अगर आकर के स्कूल से शूज वहां फेंक दिया, सॉक्स उधर फेंका, बैग उधर फेंक दिया, अपनी यूनिफॉर्म कहीं डाल दी, बुक्स नोटबुक सब ऐसे फेंक दिया, तो मम्मी का कितना सारा काम बढ़ गया। मम्मी को सब चीजें उठा उठा करके जगह पे रखनी पड़ेंगी तो मम्मी का काम बढ़ गया। बट इफ यू कीप ऑल द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, जो भी जगह मम्मी ने बनाई है तो मम्मी का उतना काम कम हो गया। इन दिस मैनर यू कैन हेल्प योर मदर इन अदर हाउस होल्ड वर्क। कुछ डस्टिंग वगैरह आप कर सकते हो, कुछ जैसे पोछना है यू कैन वॉटर द प्लांट्स, घर में अगर प्लांट्स है तो उनको पानी डाल सकते हो। सो इन दिस मैनर यू कैन हेल्प योर मदर इन अदर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड मीन्स घर का काम एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड मीन्स घर का काम। ठीक है, तो आप मम्मी की कैसे हेल्प कर सकते हो, किचन में हेल्प कर सकते हो, दूसरे घर के काम में हेल्प कर सकते हो। देन गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब रात को आप टाइम पे सो जाओ एंड गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके बैठ गए, इतनी सुबह उठने की तो जरूरत नहीं है, बट यस गेट अप ऑन टाइम। रात को इफ यू स्लीप on time at night then you will be able to get up on time in the morning also, because then you will have sufficient sleep, jitni aapki sleep honi chahiye aapki puri sleep hogi and morning mein apne aap aapki neend khul jayegi. If you sleep late at night you will not be able to get up early in the morning, because if your duration of sleep is not completed यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप। अगर जबरदस्ती उठना भी पड़ा तो नींद आती रहेगी, सर में दर्द हो सकता है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, यू विल फील स्लीपी, नींद आती रहेगी। ठीक है, तो स्लीप ऑन टाइम एट नाइट एंड गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। देन टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लव देम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स तो दे आर लिविंग बींग्स, दे कैन फील अवर लव। इवन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको जो लोग टेम करते हैं, जो लोग उनको उनके जो केयर टेकर होते हैं, जो उनको लुक आफ्टर करते हैं, एक उनकी क्लीनिंग है, उनको खाना वगैरह देना,
दे ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो एनिमल्स तो दे अंडर डेफिनेटली अंडरस्टैंड, इवन प्लांट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर फीलिंग. अगर हम प्लांट्स को रोज उनको लुक आफ्टर करेंगे, रोज उनको प्यार से टच करेंगे, टाइम टाइम पे पानी देंगे, तो दे अंडरस्टैंड इट. पानी अगर हम नहीं देते हैं, अगर प्लांट्स को आप बहुत दिन तक पानी नहीं दोगे, दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम. क्या होता है वो, दे डाई, ड्राई हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, मर जाते हैं. सो प्लांट्स एंड एनिमल दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, कि हम उनको प्यार करते हैं, हम उनके लिए फील करते हैं. किसी के घर में अगर आपने पेट रखा होगा, मे बी डॉग और मे बी एनी बर्ड, जैसे पैरट इज वेरी कॉमन, बहुत सारे लोग घर में पैरट रखते हैं, डॉग इज वेरी कॉमन. तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अगर जिस किसी के घर में भी डॉग होगा, आप देखते हो कि द मोमेंट यू रीच होम, जैसे आप घर पहुंचते हो, वो डॉग्स दौड़ के आपके पास आ जाते हैं. दे हग यू, दे लिक यू, आके एकदम हग कर लेते हैं आपको, पूरा चाटते हैं, अपनी टेल जोर जोर से वैग करते हैं. दैट इज देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव, वो उनका अपना प्यार दिखाने का तरीका है. इफ यू गो समवेयर, उनको घर में पीछे छोड़ के अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो दे आर सो अपसेट, वो इतने अपसेट हो जाते हैं, फिर वो खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, दे जस्ट वेट फॉर यू टू कम बैक. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, वो हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे समझते हैं. एनिमल्स को देखो, डॉग्स को भी देखो, पीपल टॉक टू देम, उनको जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, दे फॉलो इट, वो दे अंडरस्टैंड कि वॉट इज देयर मास्टर टेलिंग देम. कभी उनको अगर डांटते भी हैं, उन्होंने कुछ अगर गलत काम किया, इवन एनिमल्स भी बहुत बार गलत काम करते हैं, तो उनके अगर मास्टर्स उनको डांटते हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि यस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आई एम गेटिंग स्कोल्डेड फॉर दैट, मुझे उस काम के लिए डांट पड़ रही है. एंड प्लांट्स इतना तो नहीं समझते, बट वेन यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, वेन यू केयर फॉर प्लांट्स, जब आप उनको प्यार करते हो, वो दे डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड इट एंड दे फील इट. ठीक है, वो फिर बहुत अच्छे से वो ब्लूम करते हैं, बड़े होते हैं, हेल्दी रहते हैं प्लांट्स. अगर आप नए प्लांट्स को की केयर करोगे, इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर देम, दे वो मुरझाने लग जाते हैं, दे विदर अवे एंड देन आफ्टर सम टाइम दे ड्राई, वो सूख के खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो एक देयर इज अ स्टोरी, मे बी सम ऑफ यू मे हैव हर्ड इट. कहते हैं किसी एक जगह पे, जैसे फॉरेस्ट में जब लोगों को ट्रीज को कट करना होता है, ट्रीज अगर हटाना है तो वो कट नहीं करते हैं, वो ट्रीज को इतना माने अब्यूज करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, कि आफ्टर फ्यू डेज ट्री जो है वो अपने आप ड्राई होकर के वो अपने आप गिर पड़ता है एंड द ट्री डाइज, वो मर जाता है. कुछ पेड़ को काटते नहीं वहां के लोग, दे जस्ट दे से लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू द ट्री, दे अब्यूज ट्री, और ट्री थोड़े दिन बाद अपने आप ही वो मर करके गिर जाता है, फिर वो लोग उसको हटा देते हैं. सो दिस शोज दैट ट्रीज एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग. जो लोग फार्मर्स होते हैं, जो क्रॉप्स लगाते हैं, जो खेती करते हैं, वो लोग बहुत केयर करते हैं प्लांट्स की, उनको बहुत प्यार करते हैं, तब जाके प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द गुड मैनर्स. अभी ये नहीं है कि जितनी गुड मैनर्स बुक में लिखी है, दीज आर द ओनली गुड मैनर्स, इसके अलावा और कोई काम हमें नहीं करना है. नो, इट इज नॉट दैट, दीज आर जस्ट सम ऑफ देम. ये कुछ एक मैनर्स है, ऑलमोस्ट काफी सारे गुड मैनर्स बुक में आपकी मेंशन है, लॉट ऑफ देम आर मेंशन इन द बुक, बट इसके अलावा भी ऑलवेज रिमेम्बर दैट योर बिहेवियर एंड कंडक्ट शुड बी गुड. आपका जो पूरा बिहेवियर है, आप कैसे अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करते हो, आप कैसे सबके साथ बातचीत करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत मैटर करता है. इवन राइट नाउ ऑल्दो यू आर वेरी स्मॉल, आप बहुत छोटे हो, बट स्टिल अभी भी आप कैसे अपने टीचर्स के साथ बातचीत करते हो, कैसे उनको द वे यू विश देम, क्लास में आप जैसे कंडक्ट करते हो, उससे टीचर्स कैन वेरी इजीली मेक आउट व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर. क्लास में आपका जो कंडक्ट है, आपका बिहेवियर है, वो प्रॉपर होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे टाइम क्लास में एकदम चुप होकर के, एकदम सीरियस होकर के बैठे रहो. नो, क्लास में बच्चे हो, बिल्कुल शोर भी करोगे, बातचीत भी करोगे, सब करोगे,
दैट इज वेरी, वो भी बहुत जरूरी है। शोर करना, हल्ला करना, बातचीत करना, वो भी बहुत जरूरी है। क्लास में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाओ, कुछ पूछना है डेफिनेटली पूछो, बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो हमने वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन गुड मैनर्स। हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया, बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया। वी टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ गुड मैनर्स। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज काफी सारी हमने बात कर ली। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर गुड मैनर्स एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच।